सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम भी देवांशु ब्लॉग्स है। ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जिनके मन में डाउट है कि विदाउट नीट हम एमबीबीएस अब्रॉड जा सकते हैं कि नहीं। उन स्टूडेंट का डाउट खत्म हो जाएगा और जो भी इस रिलेटेड क्वेरी रह जाएगा मैं क्लियर कर दूंगा, और किन बातों को ध्यान देना है वो भी मैं बता दूंगा विदाउट नीट वाले स्टूडेंट को। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप विदाउट नीट एमबीबीएस अब्रॉड जा सकते हैं कि नहीं। नींद में भी पूछोगे, किसी से भी पूछोगे, चाहे तुम एनएमसी से पूछोगे, चाहे तुम एम्बेसी से पूछोगे, किसी स्टूडेंट से पूछोगे, किसी कंसल्टेंसी से पूछोगे, किसी एजेंसी से भी पूछोगे, वो नींद में आंसर करेगी बिल्कुल जा सकते हो। एजेंसी कंसल्टेंसी वाले तो भेज देते हैं ऐसे ही कि जाओ भाई, उनको तो पैसा से मतलब है और क्या। तुम जा सकते, तुम कर सकते हैं एमबीबीएस की पढ़ाई एमबीबीएस अब्रॉड में विदाउट नीट, बिना कुछ किसी रोक टोक के। रशियन यूनिवर्सिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम्हारे मार्क्स कितने आए हैं, तुम पास भी किए हो कि नहीं किए हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके तुम्हारे मार्क्स से कोई लेना देना नहीं रहता। कोई भी यूनिवर्सिटी रशिया के अंदर नीट मार्क्स के अकॉर्डिंग काउंसलिंग नहीं करती है, और काउंसलिंग का डायरेक्ट एडमिशन होता है, डायरेक्ट एडमिशन रशियन यूनिवर्सिटी के अंदर। कोई कोई यूनिवर्सिटी है जिसका एंट्रेंस देना पड़ता है, जैसे कजान हो गया, पहले क्रीमिया में भी होता था, क्रीमिया का हम ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि वो ऑलरेडी साइड हट चुका है हमारे फील्ड से, क्या हम उसको कंसीडर ही नहीं करते, उधर कौन जाएगा, तो क्रीमिया को साइड रखते हैं, बात कर लेंगे बाद में कजान की। कजान में जाने से पहले एंट्रेंस होता है, कुछ कुछ यूनिवर्सिटी के अंदर एंट्रेंस होता है, बट नीट के स्कोर कार्ड से किसी भी यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग नहीं होता, ये बात मान लेना। और रशियन यूनिवर्सिटी डिमांड भी नहीं करती तुम्हारे नीट स्कोर, ठीक है। ये था तुम्हारा आंसर, मिल गया होगा कि जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। दूसरी बात, लोगों का डाउट, पेरेंट्स का डाउट कि वर्थ इट रहेगा कि नहीं रहेगा विदाउट नीट, या फिर लो मार्क्स आया है, कम मार्क्स ही आया है, जा सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल जा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्थ इट तो रहेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कम मार्क्स ला के जिनका सिलेक्शन है वो एक अच्छी अच्छी एग्जाम एंट्रेंस क्लियर किए हैं, जैसे प्लैब हो गया, एएमसी हो गया, ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल हो गया, यूएसएमएल हो गया, तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं कम मार्क्स ला के भी एमबीबीएस अब्रॉड से अच्छी एग्जाम क्रैक किए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। कम मार्क्स में भी तुम एमबीबीएस अब्रॉड जाकर अपना एमबीबीएस की पढ़ाई कर सकते हो एक अच्छी यूनिवर्सिटी से, और अच्छे डॉक्टर बन सकते हो। अब बट जिनका आंसर ये मिल गया है कि तुम नीट विदाउट नीट यहाँ एमबीबीएस कर सकते हो, वो अब सुन लो रिजल्ट, तुम इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल नहीं होगे। पहली बात तो नीट विदाउट नीट तुम किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जाओ, एमबीबीएस रशिया के अंदर सारे यूनिवर्सिटी से कर सकते हो, बट प्रैक्टिस करने के लिए अलाउ तुम नहीं होगे। अगर तुमने नीट की में मिनिमम जो कट ऑफ होता है ओबीसी जनरल सीएसटी जो भी है उसको, तुमको मिनिमम मार्क्स जो भी कट ऑफ होता है वो आपको क्लियर करना पड़ता है, आपको देना ही पड़ता है। और जो दूसरी चीज़ है, जो नीट का स्कोर कार्ड होता है वो जिस ईयर में तुम उसको अटेम्प्ट किए हो अगले 3 साल तक, मतलब 3 साल तक वो वैलिड रहता है नीट का स्कोर कार्ड। तो ये भी एक तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट मैसेज है, जो भी देख रहे होंगे ये वीडियो उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। दूसरी चीज़, क्या बात का ध्यान देना, अगर कोई कंसल्टेंसी ये बोलती है कि तुम इस ईयर चले जाओ एमबीबीएस अब्रॉड, अगले साल आकर नीट का एग्जाम दे देना, फिर वो वैलिड होगा, बट ये वैलिड नहीं होगा। एनएमसी के अकॉर्डिंग तुम जिस ईयर जाओगे उस ईयर के अकॉर्डिंग उस ईयर तुम नीट का मिनिमम कट ऑफ क्लियर होना चाहिए, अगर नहीं तो तुम्हारा वो डिग्री वैलिड नहीं मानेगा, फिर से तुमको ईयर बर्बाद होगा, तुम्हारा एकेडमिक ईयर खराब होगा। इससे अच्छा है कि पहले नीट क्लियर करो फिर जाओ एमबीबीएस अब्रॉड के लिए, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एमबीबीएस अब्रॉड विदाउट नीट जा सकते हो, बट इंडिया में वैलिड नहीं होगा, खत्म। नीट कोशिश करो नीट पास करके आओ, तो इंडिया के अंदर भी प्रैक्टिस कर पाओगे और भी बाकी के कंट्री में भी प्रैक्टिस कर पाओगे, तो फ्यूचर के लिए तुम सेफ रहोगे। तो ये है तुम्हारे लिए विदाउट नीट वाले के लिए इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, एक अच्छी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।